हेलो, वेलकम टू आर्ट थ्रिल स्टूडियो एंड आई एम अनुजा। मैं आज आपको ह्यूमन फेसेस बताऊंगी कैसे बनते हैं मधुबनी पेंटिंग में। ये किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मेरा वीडियो हिंदी में भी होना चाहिए, तो आज हम कोशिश करेंगे और कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको हिंदी में ट्यूटोरियल चाहिए वो इससे फ़ायदा ले सकें। तो इसके लिए बनाने के लिए मैं जनरली होल्डर और निब का इस्तेमाल करती हूँ। अब ये निब ड्राइंग निब होती है जिसकी टिप बहुत शार्प रहती है। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये है टिप, वेरी पॉइंटेड, और ये है मेरी नंबर 3 की जी निब। तो इसके ऊपर जी लिखा रहता है इम्प्रिंटेड, बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है, बहुत ध्यान से देखना है। दिस इज नंबर 3 और मेरे होल्डर में ये स्लॉट है, ये जगह बना हुआ है जिसमें मैं इसको इंसर्ट कर दूंगी, डाल दूंगी। और मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ कैमल का कलर्ड ड्राइंग इंक। ये वाटरप्रूफ होता है और काफ़ी स्मूथ चलता है। हम इंक बना भी सकते हैं, अगर हमारे पास इंक नहीं है तो हम एक्रेलिक पेंट में थोड़ा सा पानी मिला करके उसको अच्छे से मिक्स करके उससे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इससे यूज़ करूँगी और हम बनाएंगे डिफरेंट टाइप के फेसेस जो हम मधुबनी में बनाते हैं। जनरली सब कहते हैं कि एक ही जैसे फेसेस हो जाते हैं, डिफरेंट नहीं लगते। तो आज हम करेंगे डिफरेंट इमोशंस, फेस का स्टडी, कैसे डिफरेंट इमोशंस हम लेकर के आ सकते हैं पिक्चर में और कैसे हमारा गर्ल फेस, लेडी फेस सब कुछ बनता है। तो मैं इसको एडजस्ट करती हूँ। यह मधुबनी जाना जाता है कि उसमें लंबी नाक होगी, पॉइंटेड नोज और लिप्स और चिन। सारे फेसेस में जैसे होता है वैसे ही हम इसमें करेंगे। ये हमारा एक आउटलाइन बन गया। अब लिप्स के लिए हम ऐसे छोड़ेंगे, अगर हम चाहें तो हम फुल लिप्स बना सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे फुल लिप्स बना करके दिखाऊंगी। तो हमने ये ज्वाइन किया वी के जैसे और ये हमारा फुल लिप रेडी हो गया। अब आईज बनाने के लिए आप जब भी मधुबनी देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और वो बहुत सुंदर लगती हैं। तो अभी इसके लिए मैंने बिग लीफ शेप का आई बनाया और फुल आई बॉल, ये मेरा फेस बन गया। एक सिंपल फेस है। अब इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये लेडी फेस बन रहा है या कौन सा फेस बन रहा है? अब मैं डिफरेंट डिफरेंट फेसेस बताती हूँ। ये एक लेडी का फेस बना रहे हैं, तो उन सबको डिफरेंशिएट करते हैं हम उनके जेवर से और उनके हेयर स्टाइल से। तो ये लेडी फेस के लिए ये मैंने छोटे छोटे कर्ल्स बनाए, हमेशा कान ऐसे करके बनाएंगे। और हम ये देखेंगे कि अगर हम मेन बना रहे हैं, अगर हम आदमियों का शक्ल बना रहे हैं, तो उनके कान में बाला होगा और अगर लेडी है तो कुछ और बड़ा सा डिज़ाइन बनाते हैं। अब उसमें आप कोई भी डिज़ाइन, कितना भी बारीक, आप कितना भी लाइन पैटर्न डाल सकते हैं और कितनी भी सुंदर डिज़ाइन आपको जो अच्छी लगे आप वो बना सकते हैं। तो ये हमारा लेडी का फेस है। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा और एलाबरेट कर सकती हूँ, और बड़ा कर सकती हूँ। और ये हमारे लेडी का फेस रेडी होने वाला है। ये हम हेयर स्टाइल कैसा भी बना सकते हैं। जनरली हमने यहाँ पे एक फ्लावर बनाया, तो आपको ये पता चलेगा कि फेस को हम उसके साथ की चीज़ों के साथ बहुत आसानी से बता सकते हैं कि वो लेडी फेस है या जेंट्स का फेस है। ये हमारा जूड़ा और हम इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, छोटे छोटे गजरे डालो या जो भी आपका मन करे आपको डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये एक स्टाइल है जो सिंपल है और कोई भी बना सकता है। अब एक चीज़ और है, हम इसको कैसे और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, वो है कि हम इसमें एक छोटा सा नोज पिन डाल सकते हैं या हम बड़ा सा नथ डाल सकते हैं या हम इस तरफ डाल सकते हैं। मैं दिखाती हूँ, ये एक हमने छोटा सा नोज पिन डाला, ये हमारा
फेस रेडी हो गया। ये हमने डिफरेंट डिज़ाइन डाल दिए पाल में, और हमें जो भी पहनाना है, साड़ी, जो भी साड़ी दुपट्टा डालना है वो आप अपने हिसाब से डालते जाएं। लेकिन ये सिर्फ फेस स्टडी है। सो ये हो गया एक लेडी का फेस। अब साथ ही हम एक जेंट्स का फेस कैसे बनाते हैं। फेस, आंख, नाक, मुंह तो चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी, वो वैसा ही रहेगा। ये रही नोज, लिप्स और चिन, ये वही है। और इसमें साथ की चीजों में क्या फर्क होगा, आंख इसमें भी बड़ी रहेगी, लिप्स वैसे ही रहेंगे। अब अगर हमें इसमें मोस्टैच डालना है तो हमने ऐसे करके ये डाल दिया। हम जनरली लेडीज के लिए एक बिंदी डालते हैं और जेंट्स के लिए एक टीका। इससे हमारी पिक्चर काफी फर्क हो जाती है। अगर आपको नहीं डालना है तो कोई जरूरत नहीं है डालने की, कोई जबरदस्ती नहीं, आराम से जो आपकी पिक्चर के हिसाब से अकॉर्डिंगली जो है आप वो कर सकते हैं। अब मेन का हेयर लाइन कैसा होता है, बाल ऐसे करके स्ट्रेट जाएंगे, ऐसे होगा और फिर ये ऐसे कर्ल। अब ईयर सेम वैसे ही बनेगा। अगर आपको कान में कुछ नहीं डालना तो आप नहीं भी डालें, आप यहाँ से नेक बना दें। अगर आपको कान में डालना है तो हम इसमें बाला डालते हैं। जो सिर्फ ये वाला एक डिज़ाइन होता है जो ज़्यादातर मेन के कानों में रहता है। सो दिस इज आर डिज़ाइन फॉर द हेड। ये बालों का थोड़ा सा ब्रॉड हो करके, आपको ये दिखेगा कि ये गोल है और ये थोड़ा सा बड़ा हो करके स्क्वायर जैसा शेप है। जनरली पहले के टाइम में लोग अपने बाल बड़े रखते थे, तो हमने ये एक ह्यूमन फिगर फेस बनाया मेल। सो दिस इज फीमेल एंड दिस इज द मेल। अब हर मेल एक जैसा तो नहीं दिखता, अब उसमें हम वेरिएशंस क्या करेंगे। अगर हमें कोई आश्रम या कोई गुरु बनाना है तो उसके लिए हम ऐसा भी बनाते हैं, सेम नोज, लिप्स, चिन। लिप्स अगर बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मैं यहां पे ऐसे ही छोड़ के आपको दिखाती हूं कि लुक कैसा आता है। आंखें इसमें भी बड़े होंगे क्योंकि वो मधुबनी का एक प्रीडोमिनेंट कैरेक्टर है, वो हमें बड़ी आंखों के लिए बहुत बड़ी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं उसमें, और वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। सेम मैंने टीका बनाया और यहाँ पे मैंने कोई भी बाल नहीं बनाया। तो ये एक फेस बन गया, ये मेल फेस है। डिपेंड करता है कि आपको कैसा बनाना है। अगर हम एक और मेल फेस बनाएंगे, मे बी आई जस्ट शिफ्ट इट अ लिटिल, हाँ, हमने एक पगड़ी बना दी, टर्बन सेम, बड़ी सी आंखें, अब हर किसी की आंख भी एक जैसी नहीं होती है। मैं आपको आगे डिफरेंट टाइप ऑफ आईज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिप्स भी बताऊंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लैश लाइन जो ऊपर की पलक है उसको थोड़ा सा मोटा कर दिया, और ये आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं पगड़ी में। ये सारी इमेजेस जो बनती हैं मधुबनी में, ये सब इमेजेस सिंबॉलिक होते हैं, कोई भी रियलिस्टिक काइंड नहीं होता है। जो भी पगड़ी का, साफे का, जो भी डिजाइन आपको देना है आप दे सकते हैं।
ये अगेन कान और छोटा सा बाला। ये हम जब बनाते हैं पालकी या कुछ तो हमें उसके साथ उसके कहार बनाने होते हैं, या जो पालकी चलाने वाले हैं उठाने वाले हैं वो बनाने होते हैं, हम उसके साथ ये बना सकते हैं विद देयर पगड़ी। अब अगर हमें फ्रंट फेस या साइड फेस में एक और फेस है जो मैं आपको बताऊंगी, ये नोज है, पॉइंटेड नोज, लिप्स, यहां पे मैंने चिन को छोड़ दिया है अभी। और इस तरह से हम कोई भी राजा जनक है या कोई भी जो भी दाढ़ी रखे हुए हैं उनका हम पिक्चर बना सकते हैं। जनरली आश्रम या गुरुकुल या कोई भी ऐसी चीज़ बनाने के लिए हमको ऐसे पिक्चर्स भी हम बना सकते हैं। अगर आपको बनाना है आप जूड़ा भी बना सकते हैं, सन्यासी भी बना सकते हैं, रामचंद्र विद जूड़ा वो भी बना सकते हैं। कोई भी वेरिएशन आपके आईज नोज और लिप्स में कम आता है, हेयर स्टाइल और पगड़ी और जो भी उनका बालों का स्टाइल है, उनके उनके मूछ दाढ़ी या इन सब से फर्क पता चलता है। अब ये हमारे रहे साइड फेसेस। अब लेडीज फेस में बहुत वेरिएशंस हैं, बहुत भाव आते हैं, बहुत इमोशंस आते हैं, उन इमोशंस को भी हम कैच कर सकते हैं, तो हम उसके लिए बनाएंगे सेम नोज। अब इमोशंस किसी भी चीज में नोज में और लिप्स में उतने नहीं आते जितने कि आईज में आते हैं, तो मैं आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ आईज बताती हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा मोटा किया, मेरी आईज इसमें भी बड़ी हैं। अभी मैंने इसमें आईलिड बना दी जो पलके हैं और ये आईज। तो अब आईलिड्स ऐड करने से थोड़ी सी फेमिनिटी, थोड़ी सी शाइनेस बढ़ जाती है। तो अगर हम कोई दुल्हन बना रहे हैं या सीताराम बना रहे हैं या कोई भी ऐसी पिक्चर बना रहे हैं जहाँ फेमिनिटी की ज़रूरत है या हमें ऐसे दिख रहा है, तो हम ऐसी आईज बना सकते हैं। लिप्स को छोटा रखने से वो क्यूट लगते हैं, हम बड़े लिप्स भी बना सकते हैं। डिफरेंट हेयर स्टाइल है ये, और हम कैसा भी डिजाइन का कान में डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है हमको गोल डालना है या झुमका डालना है, जो भी आप सोच सकते हो आप वो बना सकते हो। हमने इस पिक्चर को, सॉरी आ गया बीच में, बट हम इस पिक्चर को एक लेडी जो दुपट्टा डाली हुई है वैसा बना देंगे। ऐसे करके हम आगे जा करके उसका पूरा बॉडी भी बना सकते हैं, बट दिस इज द स्टडी ऑफ द फेस। तो मैं आपको सिर्फ फेसेस बनाने बताती हूँ। अब नोज पिन, अब इस वाले में हम फर्क करके एक नोज रिंग डाल सकते हैं, आधा इधर आधा इधर, और ये हमने बीड्स डाल दिए, तो ये हमारी नोज रिंग हो गई। अब
ये हमारे साइड फेसेस हैं, फ्रंट फेसेस कैसे बनेंगे वो भी हम देखते हैं। फ्रंट फेस के लिए हमें सबसे पहले उसका सेंटर लाइन लेना है, ये हमारा हेयर लाइन है, बालों का डिजाइन, आईज फिर भी बड़ी रहेंगी, मैं लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ बना रही हूं जिससे कि वो एकदम बराबर रहे। और ये आईबॉल्स फ्रंट फेस है, सीधे दिख रहे हैं। ये हमने नोज बनाया, नोज जनरली हमारी ऐसा डब्ल्यू का शेप ऐसा करके बन जाती है। लिप्स हम छोटे बड़े रख सकते हैं। पहले तो हमने ये बीच का लाइन डाला और फिर ऐसा और नीचे का लिप ऐसा। हम कोशिश करके कान बनाते हैं, उसमें बनते हैं, और आप इसको कवर कर सकते हैं किसी भी डिजाइन से। हो सकता है कुछ पार्ट आपके इयररिंग का ही इतना बड़ा हो कि वो कान को कवर करता हो। द सेम थिंग ऑन दिस साइड, अगेन द ईयर एंड द झुमका। नाउ वी विल सी दैट द जॉ लाइन कम्स लाइक दिस, और हमने फेस को कंप्लीट कर दिया। ये फ्रंट फेस हम बना सकते हैं, कोई भी ऐसा रियलिस्टिक नहीं बनता। नेक डाला और ये हमने जूड़ा डाल दिया, ये हमने दुपट्टा डाला और हमारा पिक्चर फेस का कंप्लीट हो जाता है। कैसे फिगर्स करेंगे वो हम नेक्स्ट, डिपेंड करता है कैसे फीचर्स उसमें डाले हैं, कैसी ड्रेसेस डाली हैं, कैसी ज्वेलरी डाली है, और इससे बहुत डिफरेंस आ जाता है। अब मैं कुछ तरीके के, अब इसमें नोज मैं कैसा भी नोज का ज्वेलरी डाल सकती हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा अगर डालना है, मैंने कुछ भी डाल दिया, कोई भी डिजाइन डाल दिया। जितना आप ज्वेलरी बना लेंगे आपकी पिक्चर उतनी सुंदर भी लगने लगती है, उतने आप कलर्स ऐड कर सकते हैं उसके साथ, और जितने भी कंट्रास्ट में कपड़े डालने हैं आप उतने डाल सकते हैं। मैचिंग जनरली नहीं होता है इतना जितना कंट्रास्ट कलर्स होते हैं। तो ये मैं फिनिश करके आपको दिखाती हूँ। सेकेंड आउटलाइन बहुत ज़रूरी है, तो हमने सेकेंड आउटलाइन ऐड किया। मैंने कुछ वीडियोस पेन से भी बनाए हैं, अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हैं इंक और निब यूज करने के तो आप पेन से भी बना सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आप इंक से बना लेंगे, एक बार आप निब को यूज कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप वापस पेन के ऊपर जाएंगे। इट्स ब्यूटिफुल मीडियम टू वर्क विद। आईज के सेंटर्स को हम ऐसे फुल बनाते हैं, हमारी आईज। आप चाहो तो आप उसको पूरा कलर कर सकते हैं, मैं निब से पूरा कलर करके आपको दिखा देती हूँ। तो समवॉट लाइक दिस आपकी पिक्चर आ जाती है। आप ज्वेलरी में और कपड़ों में कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं। कपड़ों में पोल्का डॉट्स डालना है या छोटे छोटे फ्लावर्स डालने हैं या कुछ भी डालना है तो आप उससे प्रिंट डाल सकते हैं। दुपट्टे के साथ अगर आप कुछ भी किनारे का बॉर्डर ऐड करते हैं तो उससे वो बहुत सुंदर लगता है और फेमिनिटी आ जाती है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। सो ये हमारे कुछ फेसेस हैं, फ्रंट फेसेस, साइड फेसेस, और मेल्स के कैसे फेसेस बनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें पता करना। अब कुछ तरीके के नोजेस बनते हैं,
एक नोज में डिफरेंट फीचर्स सेपरेटली दिखाती हूँ. आईज का पहले देख के, आईज का आईब्राउ अच्छा बड़ा हो करके, आईज भी बड़े. तो वो लीफ शेप का एक नॉर्मल आई विद फुल आईबॉल, एक ये है. दिस इज नंबर वन. आई टेल यू नंबर टू, दैट इज फुल आई विद आई लैश. तो अब उसमें हमने आई लैश ऐड कर दिया जिससे थोड़ी सी शाइनेस ऐड हो जाती है और इसको हम लाइंस के साथ भर देते हैं. सेम आई आईब्राउ अच्छा और बड़ा. ये कई कई बारी हम इसको कॉर्नर से आई लैश बनाया है तो हम उसको क्रॉस कर देते हैं. ये रहा नंबर टू. नंबर थ्री, हम कभी अगर थोड़ा सा छोटा बनाना चाहें या इमोशंस के साथ आपको कभी दिखाना है कि, तो आप ऐसा भी बना सकते हैं. फोर नंबर पे आता है हमारे भगवानों की आईज जो हम बनाते हैं, उनकी कर्व्ड आईब्राउज रहती है और सेम आईलिड. ये नीचे आंख थोड़ी बड़ी और बीच में ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऐसे करके हम करते हैं और हमारे ये, तो ये हम आईलिड्स बनाते हैं. जनरली आजकल लोग बहुत सारी चीज़ें बनाने लगे हैं, गौतम बुद्धा या शिवा, शिव शक्ति बनाते हैं, तो भी हम ऐसी आईज गॉड्स की आईज हम ऐसे बना सकते हैं. ये चार तरह की आईज है. नोज, फ्रंट नोज और साइड नोज मैंने आपको बता दिया है. नोज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, फिर भी कुछ कुछ जगह हम नोज में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं. नोज का डिफरेंस है, फर्स्ट नोज इज द स्ट्रेट नोज लाइक उल्टा सेवन, देन द सेकेंड नोज इज दिस विद लाइक दिस एंड लाइक दिस, थोड़ा सा कर्व दे करके. थर्ड इज अगेन स्ट्रेट, अ लिटिल मोर पॉइंटेड एंड कर्व्ड लाइक दिस. डिपेंड करता है हम कौन सी बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं. जनरली ये कर्व्स की नोज मेल्स के लिए होती है और गर्ल्स की थोड़ी सी, इतने नॉस्ट्रल्स प्रोमिनेंट नहीं बनाते हैं. तो ये रहे हमारे नोजेस. लिप्स पे आए तो लिप्स, ऊपर का लिप ऐसे ही रहता है, नीचे का कई बारी ऐसे हो जाता है. ये दिस इज लिप नंबर वन. लिप नंबर टू स्ट्रेट ऐसा. अगर हमने इसको कर्व कर दिया तो क्या होता है, हमारे लिप्स थोड़े से स्माइलिंग हो जाते हैं. बस इतना फर्क होता है. अगर आपने ये लाइन को स्ट्रेट रखा तो वो स्ट्रेट लिप्स बनेंगे. अगर ये नॉर्मल लिप्स हैं, अगर उसको स्माइलिंग करना है तो आपने बीच की लाइन को स्माइली करा है, जैसे कि हम नॉर्मल पिक्चर्स में स्माइली बनाते हैं. ये और ये सेम कर्व को यहाँ पे लेके आना है और फिर अपने लिप्स बनाने हैं, तो ये थोड़ा सा स्माइलिंग फेस हो जाता है. तो अगर हम लेडीज का कोई भी पिक्चर बनाते हैं जिसमें हमें दुल्हन बनानी है या कोई ऐसी चीज बनाती है, तो हम शाई आईज विद आईलिड्स और लिप्स ऐसे बनाते हैं. ये हमारा मधुबनी के बेसिक फेसेस कैसे बनाते हैं उसका है. मैं इन सब को कंप्लीट करके आपको अभी दिखाती हूँ. Thank you.
तो ये हमारा फीमेल फेस रेडी हो गया है विद लिटिल बिट ऑफ मोर डिटेलिंग और इसको हमने सजा लिया है. मेल्स में कुछ ज़्यादा तो नहीं करेंगे डेकोरेशन, बट हाँ सारे हेयर का लाइन हम डबल करेंगे जिससे कि वो डिफरेंट दिखे. तो ये है कुछ मेल और फीमेल फेसेस जिनको आप जैसे मैंने फर्स्ट वाला किया है उस तरीके से उसकी डिटेलिंग करी जा सकती है सारों की. तो ये हमारे पर्टिकुलरली फीचर्स. होप यू लाइक इट.